सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के तिनगुड़ी गांव में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां बीच बचाव करने आए एएसआई के कान को हमलावर ने काट दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गए। आनन फानन में एएसआई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से हालत गंभीर होने के चलते उन्हें मेडिकल कॉलेज रीवा भेज दिया गया है। आरोपी को जब पकड़ा गया तो उसने बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया। उसके अंदर प्रेत आत्मा आती है और उसने मांस खाने की इच्छा जाहिर की, इसलिए उसने ये काम किया। मामला सुनकर हम जैसे आपको भी हैरानी होगी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन आरोपी ने पुलिस को यही बयान दिया है। जानकारी के मुताबिक चौकी तिनगुड़ी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चौकी से 200 मीटर दूर किराने की दुकान के सामने कुछ आदिवासी लोग आपस में विवाद कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर एएसआई इंद्रराज मिश्रा अपने साथी पुलिस कर्मियों के साथ वहां पहुंचे और उन लोगों को शांत कराने लगे। तभी उनमें से एक व्यक्ति देवधर्म सिंह जमीन पर लेट गया और जब एएसआई उसे उठाने लगे तो उसने एएसआई का दाहिना कान अपने दांतों में भरकर काट दिया, जिससे उनके कान की नसें फट गईं और अत्यधिक खून बहने लगा। तभी देवधर्म सिंह वहां से उठा और भागते हुए कुएं में कूद गया। पुलिस ने उसे कुएं से निकालकर सरई अस्पताल में भर्ती कराया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया। जी हाँ, उसने बताया कि उसके अंदर प्रेत आत्मा आती है और प्रेत ने ही उसे कच्चा मांस खाने को कहा था, इसीलिए उसने ऐसा काम किया है। कुछ आदिवासी शराब पी करके आपस में विवाद कर रहे थे। तिनगुड़ी चौकी के इंद्राज सिंह साहेब उपनिरीक्षक उनके पास गए, उनको समझाया, बाकी लोगों को कहा कि अपने घर जाइए आप लोग। एक जो है देवधर्म सिंह गोम, वो जमीन में लेटा हुआ था, उसको पास जाकर के उनको उठाने का प्रयास किया कि उठे और वो भी अपने घर जाए। ठीक सामने उसका घर भी था, तो वो अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया और अपने मुंह में उनका दाहिना कान ले करके और आधे कान को काट दिया दांतों से। और जब ये घटना घटी तो बाकी लोग दौड़े पहुँचे वहाँ, तब तक जो है वो उठा और दौड़ करके अपने घर के पीछे कुएं में कूद गया। कुएं में बहुत ज़्यादा पानी था नहीं, पुलिस जो तिनगुड़ी की थी वो पहुँचे, चौकी प्रभारी पहुँचे और उन्होंने उसको निकाला कुएं से बाहर। और सहायक उपनिरीक्षक इंद्राज मिश्रा को और उनको अस्पताल ली गई। जो देवधर्म सिंह गौड़ हैं वो अभी चार आठ भर्ती हैं, स्वस्थ हैं। और थाना सरई का जो हॉस्पिटल है उस वहाँ से धर्मदास जी एडमिट हैं और हमारे एएसआई को वहाँ से रेफर कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए, क्योंकि उनकी मैन नस जो है वो कट जाने से ब्लीडिंग ज़्यादा थी, तो फर्स्ट एड वहाँ दे करके उनको भेज दिया है। सर कितने आरोपी थे सर, और उस गांव की जहाँ पे ये वारदात हुई है वहाँ की स्थिति क्या है? वहाँ जिसने हमला किया है बस वही था, उससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया मुझे प्रेत आते हैं और प्रेत ने कच्चा मांस खाने के लिए कहा था, इसलिए मैंने उसको ये घटना घटित की थी। मामले में आरोपी अपने आप को बचाने के लिए अब उसके अंदर प्रेत आने की बात कह रहा है, जिसके बाद पुलिस उसके आसपास लोगों से पूछताछ करेगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। सिंगरौली से अनिल सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।